जब भी कोई हार्ट का पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उनको एक टेस्ट बताया जाता है जिसका नाम है एंजियोग्राफी। तीन तरह की एंजियोग्राफी है, एक हाथ से घुसा के तार, एक पैर से घुसा के तार और एक बिना घुसाए एंजियोग्राफी। ये तीनों एंजियोग्राफी के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हर दिन के तरह मैं आपके लिए कुछ नया इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, और हम लोग ये चाहते हैं कि बॉडी को काटे बिगर ट्रीटमेंट हो, और वो भी चाहते हैं कि जो टेस्ट भी हो वो भी बॉडी को डिस्टर्ब करे बिगर हो। तो आज आपको एंजियोग्राफी के बारे में बताऊंगा। कभी भी कोई भी हार्ट का पेशेंट चाहता है हार्ट के हॉस्पिटल में और इलाज चाहता है तो वो लोग बोलते हैं पहले आपकी अंदर की देखनी पड़ेगी, कितनी ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, और इसके लिए आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। एंजियोग्राफी को तीन तरह से किया जा सकता है। एक में एक कैथेटर, एक तार समझ लीजिए, तार को घुसाया जाता है और उसको हाथ से घुसाया जाता है और इसको धक्का दे दे के हार्ट तक ले जाया जाता है। इसको बोलते हैं भाई रेडियल आर्टरी एंजियोग्राफी। और एक होता है पैर से घुसाया जाता है, थाई में, जंग में, वहाँ पे एक ट्यूब को काट के उसके अंदर तार घुसाई जाती है, उसको धक्का दे दे के हार्ट तक ले जाया जाता है, जिसको बोलते हैं फीमोरल आर्टरी एंजियोग्राफी। और एक तीसरी होती है जिसमें तार घुसाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कोई वेन पे कुछ कलर डाल दो और वो कलर हार्ट में जाएगा जब तक पिक्चर ले लिया जाएगा। तो ये तीनों में आपको कौन सा ठीक लग रहा है? मैं तो बोलूंगा अगर तीनों की एक्यूरेसी में खास फर्क नहीं है तो आपको तार वाली नहीं करानी चाहिए, बिना तार वाली करानी चाहिए, नॉन इन्वेजिव। और इस एंजियोग्राफी का नाम है सीटी एंजियोग्राफी। देखिए जो तार वाली एंजियोग्राफी है इसमें कॉम्प्लिकेशंस के बहुत सारे चांसेस है। इट्स अ मिनी ऑपरेशन। आपके पहले के जमाने में तार को पैरों से घुसाया जाता था, और जब पैर से घुसाया जाता था तो एक छेद की जाती थी और आर्टरी के अंदर घुसाया जाता था। याद रखिए वेन के अंदर नहीं, आर्टरी के अंदर घुसाया जाता था, उसमें बहुत हाई प्रेशर होता है। अगर वो आर्टरी के अंदर तार घुसा के छोड़ दिया जाए धक्का मार के बाहर फेंक देगा। उस तार को पुश कर करके कुर करके हार्ट तक ले जाना जाता है, और जहां पे लगता है कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी एक्सरे कर करके देखा जाता है कहां तक पहुंचा। अगर लग रहा है वो आगे बढ़ नहीं रहा है तो वापस विड्रॉ करके वापस घुसाया जाता है। तो ये तार वाली एंजियोग्राफी में पूरे बॉडी में स्क्रैच होती है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती है, इसके लिए इसको मैं प्रेफर नहीं करता। पहले ये लोग फीमोरल आर्टरी में डालते थे, वो फिर भी मोटा होता था। आजकल आ गई है रेडियल आर्टरी। अच्छा, फीमोरल आर्टरी वाली एंजियोग्राफी में एक मेजर प्रॉब्लम क्या थी मालूम है? वो जब तार निकाल लिया जाता था तो पेशेंट को चलने नहीं दिया जा सकता है, तो इसके लिए उनको हॉस्पिटल में रखा जाता था, और अगर वो लीक कर जाए तो बहुत मुश्किल, तो एक दिन जरूर एडमिशन करना होता था। आजकल जो हाथ वाली एंजियोग्राफी है उसमें एडमिशन की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपकी हो जाए उसमें बैंडेज मार के पेशेंट को छोड़ भी सकते हो। पर उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि वो जो रेडियल आर्टरी होती है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए उसके अंदर स्क्रैचिंग ज्यादा होती है, ज्यादा उसमें डैमेज होती है। और तीसरी वाली जो है वो सबसे सेफ है, जिसमें आपको एडमिशन की जरूरत ही नहीं है, टोटल एक मिनट का काम है, आपके अंदर ना तार घुसाने की जरूरत है, आप जाइए लेटिए, वो लोग आपको एक इंजेक्शन देंगे, एक एक्सरे लेंगे और दो मिनट में आपका हो जाएगा एंजियोग्राफी। और तीनों में अगर कॉस्ट की डिफरेंस देखेंगे तो 15-20 हज़ार बिना वो तार वाली एंजियोग्राफी होती नहीं है, जबकि 6,500-7,500 तक ये सीटी एंजियोग्राफी हम लोग करवा लेते हैं। तो आपको अगर कभी भी एंजियोग्राफी करना हो तो पहले तो नॉन इन्वेजिव कराइए। और मैं जानता हूँ हार्ट के हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट लोगों को तार वाली एंजियोग्राफी क्यों पसंद है, क्योंकि पेशेंट एडमिटेड रहता है और वो डिस्चार्ज करते वक्त बड़ा आनाकानी करते हैं कि आपकी ब्लॉकेज है, आपको रिस्क सीरियस हो गया है। पर तार वाली में रेडियोलॉजिस्ट करता है, उसमें डिस्चार्ज का झमेला नहीं है, आप गए ही हो 5 मिनट में आ गए वापस, तो वो तार वाली आप जरूर करवाइए। कोई को भी कभी डाउट हो मुझे हार्ट की बीमारी है कि नहीं है तो तार वाली एंजियोग्राफी आजकल इतनी ईजी हो गई है, हैंडी हो गई है, आप उसको ही करवाइए। चलिए आज यहीं पर माफी लेता हूँ आपसे, बट आप जरूर एंजियोग्राफी कराने से पहले साउल में आइए और हमसे पूछिए कि कौन सी एंजियोग्राफी ठीक रहेगा, और हम आपको बताएंगे। ये आजकल 500 स्लाइस के सीटी एंजियोग्राफी आ गई है, जो एक्यूरेसी के हिसाब से हार्ट की जो तार वाली एंजियोग्राफी उससे भी बेहतर माना जाता है।